हेलो दोस्तों, लाडू की रसोई में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग की दाल का हलवा, जो कि बहुत ही इजी और जल्दी बनने वाली रेसिपी है। तो चलिए बनाते हैं। हाँ तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मुझे चाहिए ये एक कटोरी भरकर मैंने मूंग की दाल ली है। ये धुली हुई मूंग की दाल है। इसको मैंने एक घंटा लगभग भिगो के रखा था और ये इस तरह से दिखाई दे रही है। इसको मैंने अच्छे से साफ करके भिगोया था। अब इसको मैं अलग कर दे रही हूँ। और उतनी मात्रा में मैंने चीनी ली है, ये देखिए उतनी चीनी है। और मैंने कम से कम पौन कटोरी ताजी ये फ्रेश मलाई मेरे पास ये ली है। और 400 ml दूध है, जिसमें मैंने थोड़ा सा चुटकी भर फूड कलर मिला के, येलो फूड कलर है, इसको मिला के मैंने इसको इस तरह से रख दिया है। और इसके अलावा मुझे चाहिए बादाम की कुछ गिरियां, इसको मैंने दो पीसेस में काट लिए। और कुछ किशमिश लिए मैंने, कुछ चिरौंजी लिए। और इसके अलावा मुझे लास्ट में केवड़ा चाहिए होगा। और थोड़ा सा मैंने खोया लिया है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें वरना मलाई से भी वो टेस्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं एक चम्मच घी डालती हूँ कढ़ाई में। कढ़ाई मैंने गर्म कर रखी है और ये घी मेरा घर का बना हुआ है, दानेदार घी है, देसी घी है, इसको मैंने डाल दिया। और सबसे पहले मैं कुछ ड्राई फ्रूट इसमें भून लूंगी। बहुत लाल नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा इन्हें भूनना है। इनको भून के मैं अलग निकाल लूंगी। बस थोड़ा सा इसकी खुशबू आ जाए, कलर चेंज होती है, इसको निकाल लेंगे। अब मैंने अलग निकाल ले रही हूँ। दोस्तों इस तरह से जब आप हलवा बनाते हैं बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी बनता है। पहले लोग बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लगा के बनाते थे, बहुत देर लगती थी, बहुत टिपिकल काम होता था मूंग की दाल का हलवा बनाना। लेकिन अब बहुत ही आसान तरीके से ये चीज़ें बनाई जाने लगी हैं। तो इसी तरह से आप बनाइए, बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट और बढ़िया हलवा बनेगा। अब मैं इसी में ये मूंग की दाल डाल दे रही हूँ। आराम से इस तरह से डालूँ और इसको मैं लगभग 5 मिनट के लिए भूनूंगी। बहुत ज़्यादा इसको हमें कड़क नहीं करना है, बस इसको भूनना तब तक जब तक इसका कच्चापन ना निकल जाए। अब मैंने केवल 5 मिनट को भूना है। देखिए इसका घी भी अलग हो गया है और इसे मुझे बहुत कलर नहीं देना था, बस केवल इसको भूनना था। अब इसका कच्चापन निकल गया, अब मैं गैस बंद कर दे रही हूँ। अब इसे मैं ठंडा करके, ये जब ठंडा हो जाएगा तब मैं इसको मिक्सी में पीस लूँगी। और देखिए अब मैंने इसको दाल को इस तरह से मिक्सी में पीस लिया है। और अब मैं कढ़ाई में घी मैंने गर्म किया हुआ है, वो जो पहले वाला घी बचा था वही है। और थोड़ा सा मैंने इलायची के दाने डाल दिए, हरी इलायची के। और अब मैं इसमें ये दाल डालूंगी इसमें। इसको हमें थोड़ी देर के लिए चलाते रहना है, चलाते हुए इसको थोड़ा सा और भूनना है। 2-3 मिनट मैं इसमें डाल दूंगी चीनी। जरा सा मैं इसको भून लूँ, फिर चीनी इसमें डाल दूंगी। जैसे मैंने ये चीनी डाल दी, अब चीनी अपना मॉइस्चर छोड़ेगी तब तक इसको हमें इसी में भूनना है। और जब ये चीनी पिघल जाए तो हम इसमें डालेंगे मलाई। इस तरह से भूनना 2 मिनट के लिए। हाँ तो दोस्तों देखिए चीनी बिल्कुल मिक्स हो गई है। अब इसमें मैं डाल दे रही हूँ मलाई, ये मेरी फ्रेश मलाई है बिल्कुल। और अब इसको हम 2-3 मिनट के लिए चलाएंगे।
वैसे तो इसमें खोए की जरूरत नहीं है क्योंकि आप मलाई इसमें डाल रहे हैं, दूध डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी यदि आप डालना चाहें तो थोड़ा सा खोया डाल सकते हैं। ये मलाई मिक्स हो जाएगी तो फिर मैं इसमें दूध डालूंगी। इस तरह से चलाते रहना जिससे कि लम्स ना बने। और अब मैं इसमें दूध डाल दे रही हूँ, और दूध जब तक इसमें सूखेगा नहीं तब तक हमें इसको इसमें पकाना है। इस तरह से थोड़ा सा मिक्स हो जाए फिर मैं और दूध डाल दूंगी इसमें। और दोस्तों देखिए, मैंने वो जो दूध था वो दो बार में थोड़ा थोड़ा करके डाला था और इसको लगातार मैंने चलाया है और इस तरह का टेक्सचर आ गया है। अब मैं थोड़ा सा इसमें ऊपर से खोया डाल दूंगी। आप चाहें तो डालिएगा वरना ये ऑप्शनल है, क्योंकि इसमें दूध और मलाई पड़ा हुआ है इसलिए ज्यादा जरूरत नहीं है इसमें खोए की, लेकिन यदि आपके पास हो तो आप डाल दीजिएगा। और बस ये तैयार है हमारा मूंग की दाल का हलवा। और इसमें मैं ये जो मैंने ड्राई फ्रूट रखे थे वो डाल दे रही हूँ। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया इसमें। और अब ये बनकर तैयार है। अब मैं इसमें ठंडा करके थोड़ा सा मैं केवड़ा डालूंगी। मैं गैस बंद कर दे रही हूँ। अब मैं सर्व करूंगी और थोड़ा सा जब ठंडा हो जाएगा तब इसमें केवड़ा डालूंगी। और ये मैं सर्व करती हूँ। ये बहुत ही टेस्टी और जल्दी बनने वाला हलवा है, आप भी बनाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मैं इसमें थोड़ा सा ये लगा दे रही हूँ बादाम इस तरह से। थोड़ी सी किशमिश डाल दे रही हूँ। और दर्शकों ये तैयार है मूंग की दाल का हलवा। आप भी खाइए, अपने मेहमानों को खिलाइए। और यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।